हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 20 रुपए के बिस्किट के पैकेट से यूनिक पेड़े की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बनाने का तरीका भी बिल्कुल यूनिक है, लेकिन बिल्कुल आसान है, और जो इसका टेस्ट है वो भी बिल्कुल यूनिक है और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। ऐसा ही लगेगा बिल्कुल आपको कि जैसे कि आप मावे के पेड़े खा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा आप बिस्किट के पेड़े खा रहे हैं। इसमें हम कोई मावे का यूज नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ही बढ़िया बनके मिठाई रेडी होती है। तो पूरी वीडियो जरूर देखिए, इसे जरूर घर पर ट्राई करें। तो जल्दी से बिना समय बर्बाद किए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हमने 4 मैरीगोल्ड बिस्किट के पैकेट लिए हैं। जो 5-5 रुपए वाला पैकेट आता है ना, वो ही हमने लिया है। इसको हम निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे मैरीगोल्ड बिस्किट का यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो पार्ले जी बिस्किट का भी यूज कर सकते हैं। अभी हमने एक मिक्सर जार लिया है, इसमें हम ये बिस्किट को तोड़ के डाल देंगे। तो एक बारी में जितना आएंगे उतना हम इसमें डालेंगे। आप चाहे जो मीडियम साइज का मिक्सर जार होता है ना, वो भी ले सकते हैं इसको ग्राइंड करने के लिए। और अगर आपके पास ये बिस्किट पहले से ही पड़े हैं और वो थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, तो उसको भी आप ले सकते हो। तो इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये बिस्किट को हमने ग्राइंड कर लिया है, इसे एक बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे और ऐसे ही दूसरे बिस्किट को भी हम ग्राइंड कर लेंगे। अब हमने गैस पर पैन लिया है, इसमें हम जो हमने बिस्किट को ग्राइंड किया है उसको डाल देंगे। 2 चम्मच इसमें हम घी ऐड करेंगे। तो ये जो घी है हमारा पिघला हुआ है, इसलिए हम 2 चम्मच घी ले रहे हैं। अगर जमा हुआ घी है आपका तो फिर 1 चम्मच ही ले। तो इसको हमें लो मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए ही भुनना है। तो इस तरीके से बिस्किट को भूनने से क्या है कि एक तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, और जो बिस्किट का फ्लेवर है ना, वो उसका चेंज हो जाएगा, और खाने में आपको बिल्कुल भी नहीं ऐसा लगेगा जैसे अपने बिस्किट की मिठाई खा रहे हैं। तो ये बिस्किट को हमने 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। बहुत ज्यादा नहीं भुनना है, हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो बस इतना ही हम इसे भुनेंगे। अब उसी बर्तन में हम 4 चम्मच मिल्क पाउडर लेंगे। 1/2 कप इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। तो ये हमने मैरीगोल्ड बिस्किट लिए है, इसलिए हमने 1/2 कप चीनी ली है, क्योंकि जो ये बिस्किट होते हैं इसमें मिठास बहुत ही कम होती है। लेकिन अगर आप पार्ले जी बिस्किट लेते हैं तो फिर चीनी की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं, या फिर चीनी की मात्रा आप जैसा मीठा खाना पसंद करते हो ना वैसा ले सकते हो। 1/2 कप इसमें हम दूध ऐड कर देंगे। अब इसमें हम 3 से 4 इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे। तो बिस्किट की मिठाई हम बना रहे हैं, इसलिए इसमें फ्लेवर के लिए हम इलायची पाउडर का यूज़ करेंगे। वैसे तो मिठाइयों में इलायची का यूज़ करते ही है, इससे मिठाई बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और इसमें मिल्क पाउडर का यूज़ भी हमने किया है, जिससे इसका टेस्ट एकदम अच्छे से मावा जैसा आएगा। तो गैस अभी हमारा ऑफ है, इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स या गुठलियाँ ना बने। तो इसे मिक्स कर लिया है, अब गैस ऑन कर लेंगे और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही चलाते हुए पकाना है। तो चीनी पिघलने के बाद ये थोड़ा ज़्यादा पतला हो जाएगा, क्योंकि चीनी अपना पानी रिलीज करती है पिघलने के बाद। तो इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे जिससे कि ये गाढ़ा हो जाए, क्योंकि हमें थोड़ा गाढ़ा करके ही लेना है, जिससे कि बहुत ही अच्छे से मावा जैसा टेस्ट आएगा। क्योंकि जो मिठाई हम बना रहे हैं बिना मावा के बना रहे हैं, लेकिन टेस्ट ऐसा है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे मावे की ही मिठाई खा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया फ्रेंड्स ये मिठाई बनती है, बिल्कुल पता नहीं चलता है कि बिस्किट से बनाया है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल यूनिक तरीका है इसको बनाने का। स्वाद भी इसका बिल्कुल यूनिक आता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं है, आप आराम से घर पर बना सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर करें, और वीडियो अगर ज़रा सी पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इसे कब बनाने जा रहे हैं, और इस रक्षाबंधन पे तो इसे ज़रूर बनाएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा लेटेस्ट वीडियो के लिए। घंटे पर क्लिक ज़रूर करें। देख सकते हैं बहुत ही जल्दी से ये गाढ़ा हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको गाढ़ा होने में, बस ऐसे चलाते हुए हमें इसे पकाना है। लेकिन तो इसको हमने चलाते हुए थोड़ी देर पका लिया है, जैसे कि हमने बोला कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको गाढ़ा होने में। देख सकते हैं इतना ही थिक हमें करना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे। अब गैस की फ्लेम को एकदम लो पे कर देंगे, और जो हमारे भुने हुए बिस्किट का चूरा है उसको हम इसमें डाल देंगे, और इसे इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें बिस्किट डालते हुए हमें गैस की फ्लेम को लो पे ही रखना है, और इसे अच्छे से चलाते हुए ही मिक्स करना है। अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया है, तो लो फ्लेम पर ही इसको थोड़ा चलाते हुए पका लेंगे, जिससे कि ये एकदम अच्छे से डो के फॉर्म में आ जाए। तब तक हमें इसको पकाना है।
इसको हमने इसी तरीके से चलाते हुए पका लिया है। देखिए एकदम अच्छे से डो के फॉर्म में आ गया है और इसका कलर देख सकते हैं, पहले कैसा बिस्किट का कलर था, अब देखिए कितना बढ़िया सा बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसे हम एक बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे और ठंडा करेंगे थोड़ा। तो ये जो डो है हमारा, इसको हमने थोड़ा ठंडा कर लिया है, पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है हमें इसे। तो अब इसे हम हाथों से मसलेंगे, जब हल्का गर्म हो तभी हमें ये करना है। इसको हमने मसल लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं मसलेंगे, बस थोड़ा सा प्लेन होने तक ही करना है हमें। अब हम हाथों में हल्का सा घी लगा लेंगे। तो डो को हम लेंगे इस तरीके से, हथेलियों के हेल्प से हम इसको शेप देंगे। तो देखिए इसको हम इस तरीके से शेप में बना रहे हैं, आप चाहे तो गोल भी शेप में बना सकते हैं। तो इसे इस तरीके से बनाने के बाद ये हमने नारियल का बुरादा लिया है, इसमें हम इसको कोट कर लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं कितना यमी लग रहा है फ्रेंड्स, देख के मुंह में पानी आ रहा होगा। बहुत ही टेस्टी मिठाई ये बनकर रेडी होती है। ऐसे ही सारे पेड़े हमें रेडी करने हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे यूनिक पेड़े रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आपको दिखाते कितने बढ़िया बनकर रेडी हुए हैं, देखिए एकदम सॉफ्ट है, एकदम मुंह में घुलने वाले ये पेड़े बनकर रेडी हुए हैं। तो आप भी इस सुपर टेस्टी सुपर आसान पेड़े की रेसिपी को जरूर घर पर ट्राई करें। तो उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आई तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट वीडियो के लिए, घंटी पर क्लिक करना ना भूले। अब आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।